नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। एनआईए ने 5 प्रदेश के 22 जगहों पर आतंकवादी फंडिंग के मामले में केस दर्ज किया था और इसी मामले को लेकर छापेमारी की गई है। एनआईए ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में छापेमारी की। ये छापेमारी बारामूला में इकबाल भट्ट के आवासीय घर पर की गई है। कश्मीर में कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही एनआईए और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन महाराष्ट्र के जालना, औरंगाबाद और मालेगांव से 4 सस्पेक्ट से पूछताछ की है। चारों के लिंक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। एनआईए महाराष्ट्र में 20 जगहों पर बड़ी छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र के जालना से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं औरंगाबाद से 1 हिरासत में है, मालेगांव से हिरासत में लिया गया है और सभी 4 के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ाव है।